सो हे वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। दोस्तों आज है हमें दूसरा, हम पहले आए थे तो आपको मैंने दिखाया था कि वीडियो में कि गाइस कि उन्होंने 3 बजे बुलाया, तो 3 बजे बुलाने के बाद उन्होंने रात को फिर 6 बजे हमें बुलाया था, और बुलाने के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा ये कैसे, मतलब काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे, और फिर उन्होंने बोला था ठीक है आप। फिर उसने अगले दिन फिर से हमें बुलाया था, तो उस वीडियो के लास्ट में मैं ये बता रहा था कि उसका ये अपडेट है, और फिर उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया था। तो गाइस आज उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया था, और आज उन्होंने ये बोला था कि आपको 5 बजे आना है, 4-5 बजे तक आ जाना है यहाँ पे। 4-5 बजे आने के बाद आपने वो जगह दिखानी है जहाँ पे आपसे मतलब ये केस हुआ था। तो हमने आज आ गए यहाँ पे, और हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं। और वैसे आपको एक बात बताऊँ गाइस, पता नहीं क्यों वैसे मैंने ना एक चीज़ देखा, जो अच्छे फैमिली से होते हैं ना, जैसे बड़े लोग होते हैं अगर उनका कोई केस होता है तो उसको ये लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, जी मैम जी सर ये कैसे वो कैसे। और अभी मेरे केस में ये हो रहा है कि हमें जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना, अगर हम फ़ोन भी कर रहे हैं तो आपने कान खा लिया हमारा, ऐसे बोल रहे हैं कि आपने कान खा लिया हमारा, जब कह दिया एक बारी आना है तो आ जाओ, फिर बार बार ही फ़ोन करने की क्या जरूरत है। अगर हमने इसे कुछ पूछना भी है तो उनमें भी उल्टे सीधे तरीके से जवाब दे रहे हैं कि अन्नी हम तो पागल हैं, हम तो वो पागल बैठे हैं जो तुम्हारे लिए ये सब वो सब है। और मेरा वैसे इसके ये थाने से थोड़ा सा दूर का केस था, जैसे ये थाना पड़ रहा है 21 का और मेरा केस था 20 का, तो बार बार ही हमें ये बोला जा रहा है कि मैं हमारा तो इसमें कोई रोल भी नहीं था, और वो हमारे एरिया में केस नहीं पड़ रहा था, फालतू में तुम लोग हमारे गल पड़ गए हो, फालतू में हमको परेशान कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें बार बार ही बोला जा रहा है, और मतलब हम फ़ोन भी करते हैं तो हमको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि पता नहीं कि हमने है ना उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप हमारा काम करो, बल्कि उसको है ना पेमेंट सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, उनको फ्री में काम कर रहे हैं, इस तरीके का ट्रीट कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है। तो अभी मैंने सुबह उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने परसों 3 बजे जब बोला था ना शाम को 6 बजे आने के लिए, शाम को 6 बजे आए थे तो उन्होंने बोला था नेक्स्ट डे आ जाना। नेक्स्ट डे आने के बाद उन्होंने ये बोला था कि नेक्स्ट डे आ जाना, नेक्स्ट डे उन्होंने ये नहीं बोला कि कब आना। तो हमने फ़ोन किया कि सर आपने बोला था सुबह को आ जाना अगले दिन, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने बोला था सुबह आना है तो तू बार फ़ोन करके क्या जरूरत है फ़ोन बार बार पूछने की, तुम पागल बैठे हो कि हमें तो और कोई काम नहीं है। तो उसके बाद हमने बोला कि सर आपने टाइम नहीं बताया था, आपने बोला था कल आ जाना, तो बोल रहा कि ऐसा करना 4-5 बजे आ जाना। फिर 4-5 बजे आने के बाद हम यहाँ पे 4-4:30 बजे आ गए थे, और आने के बाद हमने थाने में देखा कोई नहीं है, और उसके बाद हमने फ़ोन किया कि एक बार सर को फ़ोन करके बोल देते हैं हम आ गए हैं। तो फ़ोन करके उठाने के बाद वो कह रहे हैं कि आ गए हैं, 10 बारी बोल दिया जब आना है तो आ जाओ, बार बार पूछने की क्या जरूरत है। और फिर हमने बोला नहीं सर हम आ गए हैं, हमको ये बताए थे हम थाने में कोई नहीं है, तो कह रहे कि आ गए तो वहाँ पे रुक जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, परेशान क्यों कर रहे हो फ़ोन करके, मेरे पास और भी कोई काम है। तो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और अभी हमने उस जगह पे इनको लेके जाना है सर को, जिस जगह पे हमारे साथ ये घटना हुई थी, तो सर ने बोला वहाँ पे लेके चलना। अब देखते हैं कि उस बीच में किस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने कल शाम को ये बोला था कि मैम जी आपका एक टेस्ट होएगा, तो हमने उस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया कि सर ये किस चीज़ का टेस्ट है और क्या है, क्यों होएगा। तो हमें ज़्यादा समझाया नहीं, हमें उल्टे सीधे बोलने लग गए। तो वो मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी कर रखा है इसमें अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में भी सुनाऊंगा अभी किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा पता नहीं, हमें मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं इस सब ये नहीं है, मैं इसमें पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव के साथ या किसी मैम या सर के साथ भी आया हूँ, तो उनके साथ तो बड़े रिस्पेक्ट की तरह बात करते हैं ये लोग कि जी मैम आपका काम हो रहा है, जी सर। और हमारे साथ तरीके से इस तरीके से रिस्पेक्ट की तरह इस तरीके से उल्टे सीधे लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, मतलब मुझे वो तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह क्यों कर रहे हैं बात। बस मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से मैटर ख़त्म हो और सॉल्व हो, और हम इसके लास्ट स्टेज पर पहुँचे और क्या बन रहा है वो देखें, क्योंकि जितना मैं इन सब चक्करों में पड़ रहा हूँ उतना है ना मैं अपने मैं अपनी नज़र में गिर रहा हूँ कि मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसे तरीके से बात कर रहा है, उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहा है, बल्कि मैंने किसी को इतनी हिम्मत नहीं दे रखी है कि अपने घर में भी कि वो इस तरीके से बात करे, और बाहर भी नहीं दे रखी है, उसके बावजूद भी
खुद मेरे सामने ही कोई इस तरीके से बात कर रहा है। तो अभी तो ये सब हो रहा है। और दोस्तों आज की अपडेट है, और 6 महीने से हम भटक रहे हैं, तो उसके बाद मैंने अब ये डेली ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया हर रोज़ का। मैंने सोचा अपडेट दूंगा आपको, ताकि एक ये भी जर्नी पता चल जाए कि एक हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए हर काम करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है, और अगर आपके साथ भी ये सब घटना घटी है तो आपके साथ किस तरीके ट्रीट कर रहे हैं वो भी आप इस वीडियो में बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तो अच्छा चलो ठीक है। तो वैसे है ना, आप ये बताओ कि जो जिस तरीके से ये लोग हमको ट्रीट कर रहे हैं वो तरीका आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? पुलिस वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट हम एक नॉर्मल है, नॉर्मल जब जनता को देखते हैं तो दबा लेते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं। जो वैसे ये बात है, देखो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से बड़े जो लोग होते हैं, थोड़े से अच्छे फैमिली से होते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, पर ये जो ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, उन तरीके उनसे बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं, कि मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि कुछ पागल ही समझ रखा है हमको, ठीक है। तो आज की यही अपडेट है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इसके बाद क्या हो रहा है वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बाय बाय, और अपना आप सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूँ, ठीक है।